मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। और अभी सुबह का टाइम हो रहा है, तो सुबह का मैं खाना बनाने के लिए जा रही थी। तो सुबह देखिए खाने में क्या बनाते हैं, तो फ्रिज में देखते हैं क्या क्या सब्जी रखी हुई है। तो आज क्या बनाना है, पॉलीथीन में सारी सब्जियाँ बांध के रख देते हैं, क्या इससे ना सब्जियाँ हमारी ताज़ी बनी रहती हैं। और फ्रेंड्स, ये क्या सब्जी है, मतलब छोटे छोटे तरबूज जैसे लग रहे हैं। ये तरबूज नहीं है पर कोई सब्जी है, इसको बोलते हैं कलिंगड़। तो ये तो आज नहीं बनाऊंगी, कल बनाऊंगी। और फ्रेंड्स, आज मुझे बनाना है खाने में भिंडी की सब्जी। तो वही निकाल रही थी, इसमें टमाटर, हरी सब्जी, सारी सब्जियां ना इसमें मिक्स रखी हुई हैं, तो इसको मैं निकाल रही थी, ककड़ी रखी हुई थी। तो भिंडी कट करूँगी, भिंडी कट करने में तो टाइम लगता है। और बाबू देखिए हमारे नंगे घूम रहे हैं, क्योंकि इन्होंने सुबह ही सुबह पानी में सारे कपड़े भिगो लिए। तो मैंने सोचा पहले सब्जी बनने रख देती हूँ, उसके बाद में इनको नहलाऊँगी, क्योंकि इनको नहलाओ तो उसके बाद में काफ़ी देर लगती है। और ये इधर पानी की बॉटल भर भर के रख रहे थे, पानी ख़त्म हो गया था फ्रिज में। और अभी इतनी गर्मी है ना, तो फ्रिज मटका का भी पानी अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए फ्रिज में वाटर रख देते हैं। और भिंडी मैंने कट कर ली थी, और इधर प्याज भी कट कर लिया। तो चलिए भिंडी की सब्जी बनाएंगे, उसके बाद में मैं बनाऊंगी पराठा। और आरू हमारी अभी सो रही है, तो आरू तो हमारी इतना लेट उठती है, अभी तो उनकी छुट्टियां चल रही हैं, तो बहुत ज़्यादा लेट उठती हैं। और इधर मैंने किचन का विंडो खोल लिया था, क्योंकि इधर से हवा भी आती है थोड़ी, और खाना बनाओ तो किचन का जो धुआं होता है वो सारा बाहर निकल जाता है। और तेल गर्म हो गया तो इसमें लगा देते हैं धनिए का तड़का, धनिए का तड़का लगाऊंगी इसमें। और इसके लिए मैंने प्याज कट कर लिया था, तो प्याज डाल देते हैं इसी में। और प्याज को अच्छे से भून लिया था, उसके बाद में इसमें डालेंगे मसाले, हल्दी, नमक, मिर्च, और डालेंगे इसमें थोड़ा सा गरम मसाला। और तो इसमें ज़्यादा कुछ मसाले नहीं पड़ते हैं। और भिंडी में क्या, जितनी ज़्यादा प्याज होती है ना उतनी सब्ज़ी अच्छी लगती है। और भिंडी भी हमारी एकदम से बिल्कुल कच्ची वाली, ताज़ी वाली भिंडी है, तो इसमें पानी लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो मैंने इसको ऐसे ही ढक दिया है। और मैं इधर लगा लेती हूँ आटा, आटा लगाऊंगी फिर उसके बाद में ना, आटा लगा के रख देते हैं, उसके बाद में फिर मैं बाबू को नहलाऊँगी, क्योंकि बाबू हमारे बहुत देर से परेशान कर रहे हैं। और इन्होंने सारे कपड़े, टब में पानी रहता है भरा हुआ, तो उन्होंने सारे कपड़े सुबह ही भिगो के रख लिए। और आटा लग गया, इधर दूध भी गर्म हो गया था, और इधर सब्जी भी बन गई है, तो इसमें डाल देते हैं थोड़ी धनिया पत्ता। और इधर सुबह सुबह खाने की भी जल्दी होती है, और बाबू क्या है जल्दी उठ जाते हैं, तो ये भी सुबह सुबह परेशान करते हैं। और सुबह को वैसे भी जल्दी होती है इतनी, और सुबह के काम भी कितने सारे होते हैं, सारे काम सुबह सुबह में ही होते लगता है, सुबह सुबह ही कर लो। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अब पराठा बना लेती हूँ। दूध भी गर्म हो रहा था, और सुबह के खाने से तो मैं फ्री हो गई, ये भी ऑफिस के लिए निकल गए हैं। तो मैं बच्चों को नहलाऊंगी। और आरू कितने बजे उठी है, और हमारी आरू ना आज उठी है 10:30 बजे सो के, 10:15 बजे सो के उठी है। और अभी एक दिन की मस्ती हो रही है इनकी, क्योंकि थर्सडे को इनके स्कूल खुलने वाले हैं, तो 2 महीने से स्कूल नहीं गई है आरू, गई है 29 मार्च को स्कूल गई थी, 29 मार्च के बाद स्कूल नहीं गई है। पूरा अप्रैल निकल गया और पूरा मई निकल गया, और आगे आधा जून, तो 2.5 महीने से आरू छुट्टी काट रही हैं। तो 2.5 महीने से आरू कर रही थी मौज मस्ती, अब इनकी मौज मस्ती होगी बंद। अब इनको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा 6:30 बजे, क्योंकि 7 बजे ये स्कूल चली जाएंगी। तो फ्रेंड्स, मैं दोनों बच्चों को नहला के तैयार कर देती हूँ, और मेरा किचन का जो काम है वो भी कर लेती हूँ। ठीक है, मिलते हैं उसके बाद में आपसे।
और फ्रेंड्स अभी बज गए हैं 12 और आरू की डिमांड हो गई, क्या कहते हैं मम्मा मुझे पॉपकॉर्न खाना है। जैसे ही उठी बिस्तर से वैसे ही बोली मम्मा मुझे आज पॉपकॉर्न बना के देना, मुझे पॉपकॉर्न खाना है। तो मैंने कहा ठीक है नहा लो, उसके बाद में मैं आपको पॉपकॉर्न बना के दे देती हूँ। ये थोड़ी सी मक्का बची हुई थी, ख़त्म हो गई है, ये थोड़ी सी बचा के रखी थी बच्चों के लिए। बच्चे ये बार बार मांगते हैं ना कभी कभी, तो ये इनके लिए हो जाती है। और वैसे भी काफ़ी दिन हो गए तो ये ख़राब होने का भी रहता। तो इसमें थोड़ा मैंने इसमें 2 चम्मच घी डाल दिया था और इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे और इसको ढक्कन कर देते हैं बंद और सीटी को निकाल लेंगे और हमारे पॉपकॉर्न 5 मिनट में बन के तैयार हो जाएंगे। वैसे तो बने बनाए लाओ तो कितने से मिलते हैं, लेकिन थोड़ी सी मैंने मक्का डाली इसमें कितने सारे पॉपकॉर्न निकल आएंगे बच्चों के लिए। और बाबू ने जैसे हमारे पॉपकॉर्न देखे वैसे भागते हुए आए और ये गरम गरम प्लेट को खींचने के लिए डटे पड़े हैं। कह रहे हैं मम्मा, सोच रहे हैं पूरी प्लेट दे दे मम्मा मुझे, पर इनको दिया नहीं, इन्होंने सारे पॉपकॉर्न फैला देंगे। तो ये पॉपकॉर्न मैं अलग अलग करके दूंगी बच्चों के लिए, क्योंकि आरू भी नहीं खाने देती है बाबू के लिए और बाबू भी बहुत छीना झपटी करते हैं, बहुत परेशान करते हैं दोनों, एक दूसरे की चीज़ें छीनना है पर जो खुद के पास है वो नहीं खाना है, ना बाबू को ना आरू के लिए। दोनों आरू दे दो बेटा, उसको दे दो, हम आपको और दे देंगे, दे दो दे दो, आप प्लेट वाले ले लो। हाँ नहीं प्लेट में और रखे, आप वो वाले ले लो, रहने दो। देखो कैसे चीख रहे हैं, आपको सारे पॉपकॉर्न खाना है, आप तो गिरा दोगे सारे पॉपकॉर्न, खा लोगे सब, खा लोगे बाबू, खा लोगे सब, खा लोगे, अच्छे चलो खा लो, आप प्लेट वाले ले लो। बहुत गर्म है, हाथ जल गया, कोई बात नहीं ठंडे हो जाएंगे अभी। और फ्रेंड्स अब मुझे कुछ बनाना है तो मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ जी ये बच्चे तो सोने वाले हैं नहीं, नहीं बाबू भी नहीं सोएंगे और आरू को भी नहीं सोना है, तो इतने में मैं कुछ बना लेती हूँ। तो मुझे आज बनाना है बेसन के लड्डू, क्या है मैंने अभी कुछ दिन पहले बनाए थे। तो हमने 1 किलो बेसन मतलब पिसवा के रख लिया था, मोटा वाला दरदरा जो बेसन आता है लड्डू वाला, वरना तो बेसन ख़राब हो जाएगा रखे रखे। और तो मैंने इसमें ना 1 कटोरी घी डाला था और घी में मैंने इस बेसन को भून लिया, गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल लो रखा था तो बेसन का कलर एकदम से चेंज हो गया है। और ये मैंने मंगाई थी पिसी हुई चीनी, 500 ग्राम चीनी है, 500 ग्राम के करीब हमारा जो मतलब बेसन है वो होगा। और इसमें हम चीनी डाल देते हैं क्योंकि बेसन अच्छे से भुन गया था, तो इसमें मैं चीनी डाल देती हूँ। और इसमें क्या है ना घी देसी घी ज़्यादा पड़ता है, कम से कम मैंने इसमें 1.5 कटोरी देसी घी डाल दिया, इसमें पानी वानी तो बिल्कुल पड़ता ही नहीं है क्योंकि देसी घी पड़ता है। और मतलब एकदम से बहुत टेस्टी लगते हैं और खुद से बनाया एकदम देसी घी वाले तो बहुत अच्छे लगते हैं, पहले बनाए थे तो काफ़ी अच्छे लगे थे। इसको अब ठंडा करने के लिए रख देते हैं क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है तो इसके लड्डू तो नहीं बन पाएंगे, तो इसको ठंडा होने के लिए मैं साइड में कर देती हूँ और तब तक ये बच्चों को खाना खिलाऊंगी और ये ठंडा होगा उसके बाद में बना लेंगे लड्डू। और पूरे गैस पे ना बेसन बेसन गिर गया तो पूरा स्लिप साफ कर देते हैं। और मैंने सोचा चलो बना लेते हैं क्योंकि क्या है दोपहर के बाद में तो ना बिल्कुल मन नहीं करता, दोपहर के बाद में गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगने लगती है, तो सोचा चलो अभी बना के रख लेते हैं क्योंकि बच्चे सोएंगे नहीं तो खुद को भी आराम करने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आरू भी 10:15 बजे उठी है और बाबू भी 1 घंटे बीच में सो लिए थे, तो सोचा बना ही लेते हैं। और क्या है मतलब हाथ के बने हुए घर के बने हुए लड्डू बहुत ही टेस्टी लगते हैं क्योंकि एकदम से सारी चीज़ें शुद्ध होती हैं, बेसन भी शुद्ध होता है और एकदम घी होता है देसी घी की, तो बात ही अलग होती है। और ये फ्रेंड्स मैंने फ्री होने के बाद मैंने ये लड्डू बना के रख लिए थे और इसमें मैंने थोड़ा इलायची पाउडर मिक्स किया है। ठीक है फ्रेंड्स वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, ओके बाय बाय।